चलिए अब बात करेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण की, और स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के अंक अब तय करने की नौबत आ गई है। पहली बार स्कूलों की सफाई के भी 150 अंक सामने आए हैं। हर क्लास में डस्टबिन रखना अनिवार्य कर दिया गया है। क्लासरूम में सैनिटरी पैड भी रखना होंगे। शहर की खूबसूरती पर अब जोर दिया जाएगा। पर्यटन स्थलों की सफाई पर भी अब ज्यादा अंक लाने की तैयारी कर ली गई है। इस वक्त की खास खबर स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर, पहली बार स्कूलों में सफाई के लिए 150 अंक दिए जाएंगे। आपको बता दें, हर क्लास में डस्टबिन रखना और स्कूली छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड रखना अनिवार्य हो जाएगा। शहर की जो खूबसूरती है उसमें बढ़ोतरी करने के लिए भी तैयारी की जा रही है और इस पर भी अंक मिलेंगे। आपको बता दें, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए अब तैयारी शुरू। बता दें आपको, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के विभिन्न कार्यान्वयन घटकों में शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण के निरंतर प्रयासों के हिस्से के रूप में अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की तीसरी तिमाही 5 जुलाई को शुरू हो चुकी है, जिसमें स्थानीय शहरी निकायों के अधिकार क्षेत्र में BWG द्वारा उत्पन्न कचरे के संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण की तैयारी अब की जा रही है। और आपको बता दें कि साथ में अब स्कूलों को भी 150 अंक स्वच्छता के सर्वेक्षण के आधार पर दिए जाएंगे। हर कक्षा में डस्टबिन रखना अनिवार्य हो जाएगा और छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड रखना भी कक्षा में अनिवार्य हो जाएगा। बता दें आपको कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की तैयारियां शुरू। जैसे कि आपको मालूम है, आपको बता दें कि पूरे देश में इंदौर स्वच्छता में नंबर वन है, जिसके बाद स्वच्छ राजधानी के रूप में भोपाल का नंबर आता है। आपको बता दें कि सूरत भी स्वच्छता में अव्वल है, और अगर बात करें पूरे देश में तो नवी मुंबई भी स्वच्छता में अव्वल है। ऐसे में इस बार का स्वच्छता सर्वेक्षण अपने आप में खास है। स्कूलों को भी जोड़ा गया है, स्कूलों की स्वच्छता को भी इसमें जोड़ा गया है, और हर कक्षा में डस्टबिन रखने की अब कवायद शुरू हो गई है। छात्राओं के लिए भी सैनिटरी पैड की व्यवस्था कक्षा में ही की जाएगी, आपको बता दें, और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के बाद उसके ऊपर नंबर भी दिए जाएंगे। चलिए, हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र सिंह, उनसे बात करेंगे। जिस तरह से स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की शुरुआत हो चुकी है और अब देखा जा रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में अब क्लासरूम्स को, स्कूलों को भी ऐड किया गया है, जिसमें कि हर क्लास में डस्टबिन रखना, क्लासरूम में सैनिटरी पैड रखना अनिवार्य हो रहा है, और साथ में पहली बार स्कूलों की सफाई के लिए भी 150 अंक जोड़े गए हैं। जी, स्वच्छता सर्वेक्षण सफाई का एक मानक होता है, और खास तौर से अगर देखा जाए तो स्वच्छता सर्वेक्षण की शुरुआत जब से हुई है, नगर निगम या खास तौर से देखा जाए तो नगर पालिका क्षेत्र में भी सफाई बढ़ी है और स्वच्छता के प्रति लोगों की न सिर्फ जिम्मेदारी बढ़ी है बल्कि उनका नजरिया भी बदला है। और स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर इस बार स्कूलों की साफ सफाई पर विशेष जोर दिया गया है। अभी तक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर सबसे आगे रहा है, अव्वल रहा है, लेकिन वहीं इंदौर के पास ही अगर देखा जाए तो राजधानी भोपाल लगातार पिछड़ती रही है, और राजधानी भोपाल की स्थिति कह सके तो उसमें सुधार होने के बजाय स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ पर स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर निश्चित तौर पर सरकार जरूर प्रयास करती रहती है, लेकिन नगर पालिका के द्वारा, नगर निगम के द्वारा निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जाती रही है, जिसके वजह से स्वच्छता सर्वेक्षण के अंक में या जो पायदान में लगातार भोपाल पिछड़ता रहा है। तो इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में जितने भी
भोपाल नगर निगम से लेकर मध्य प्रदेश के जो भी नगर निगम और नगर पालिका है उनके लिए भी अब एक नया पैमाना जारी किया गया है और इस बार स्कूलों की साफ सफाई के लिए 150 अंक रखे गए हैं। इसमें 150 अंक में स्कूलों में न सिर्फ शौचालय साफ सुथरे होने चाहिए बल्कि डस्टबिन अलग अलग सूखे और गीले कचरे के लिए होने चाहिए, छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था होनी चाहिए और उनके नैपकिन को डिस्पोज करने की व्यवस्था भी होगी। तो इसके लिए 150 अंक निर्धारित किए गए हैं। साफ सफाई पे 970 अंक है, कचरा प्रबंधन और संग्रहण परिवहन पे 750 अंक है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पे 1705 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा लीगल वेस्ट रेमेडिएशन पे 230 अंक, स्वच्छता जल प्रबंधन सफाई पे 1245 अंक, ध्यान रखने योग्य संकेतक पे 850 अंक है, प्रमाणीकरण पे 2500 अंक और जन आंदोलन पे 1295 अंक है। इसके अलावा पर्यटन स्थलों की सफाई पर भी विशेष ध्यान रखने के लिए अब 100 की बजाय 140 अंक जोड़े जाएंगे। इससे पर्यटन जो स्थल है वो ज्यादा साफ सुथरा हो सकेंगे और यहाँ तक कि जो रिहायशी इलाके हैं सड़कों पे लटकते हुए पोस्टर बैनर न दिखें और दीवारें साफ सुथरी हों और अच्छी तरीके से उनको सजाया जाए, इसके लिए भी अंक रखे गए हैं। तो कुल मिला के जो स्वच्छता सर्वेक्षण होना है उसके लिए इस बार थोड़ा सा नगर निगम को ज्यादा मशक्कत करनी होगी। अगर अच्छे पायदान अच्छे पोजीशन पे आना है तो उनको काफी मेहनत करनी होगी। जी बहुत शुक्रिया सर इस खबर पर जुड़ने के लिए। बता दें स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंक तय कर दिए गए हैं। पहली बार स्कूलों की सफाई को भी अब इसमें शामिल किया गया है। स्कूलों की सफाई पर 150 अंक मिलेंगे और हर क्लास में डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। छात्राओं के लिए स्कूली छात्राओं के लिए भी सैनिटरी पैड उनके डिस्पोज ऑफ करने की भी व्यवस्था होगी। साथ में शहर की खूबसूरती पर भी जोर रहेगा। पर्यटन स्थलों की सफाई पर भी ज़्यादा अंक मिलेंगे। चलिए इस वक्त की खास और अहम खबर आपको बताई जो कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 से जुड़ी हुई है।